इस समय चल रहा है सावन का पावन महीना और हम आज जाने वाले हैं पटना से देवघर, वो भी फ्लाइट से। तो सबसे पहले सुबह सुबह जग के ब्रश कर लेते हैं और बिना खाए पिए निकल जाते हैं अपने दोस्त के बाइक से पीरो अपने शहर की तरफ। पीरो से बस पकड़ लेते हैं हम आरा जाने के लिए। फिलहाल अभी आ चुके हम आरा। देखिए पीछे हमारे ये है आरा रेलवे स्टेशन और यहाँ से भाई लोकल ट्रेन पकड़ के चलेंगे हम फुलवारी शरीफ। तो चलिए चलते हैं और वहाँ से लेके ऑटो ऑटो से जा करके एयरपोर्ट तक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आरा में बस से उतरते ही सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आ जाती है लोकल ट्रेन जिस पर हम टिकट लेकर बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं फुलवारी शरीफ जाने के लिए। और ये रहा हमारी गुलवर पुल का नजारा। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं फुलवारी शरीफ। ये रेलवे स्टेशन और बगल में देखिए एयरपोर्ट है। चलिए चलते हैं यहाँ से ऑटो लेकर के। दुख हर काल हर दरिद्र हर रोग हर 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 महादेव। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं आरा के ब्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ पटना एयरपोर्ट पर और वहाँ से पकड़ूँगा देवघर के लिए फ्लाइट। तो चलिए दिखाते हैं, पहली बार फ्लाइट से जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो ये है जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन पटना। तो चलिए चलते हैं भाई अंदर। तो देखिए मैं पैदल ही जा रहा हूँ इधर से रास्ता है। चलिए चलते हैं आगे, तब दिखाते हैं। फिलहाल आ चुके हम एयरपोर्ट पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण। आ चुके हम एयरपोर्ट पर। देखिए कुछ ऐसा सीन है, अब चलिए चलते हैं अंदर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है, यहीं पर सब दिखाई दे रहा है कि फ्लाइट कहाँ पर जा रही है और उसका नंबर भी समय भी। फिलहाल आ चुके हैं हम अंदर और ये ले लिए हैं बोर्डिंग पास और चलते हैं अब सिक्योरिटी चेक कराते हैं। यहाँ पर मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया और उसके बाद अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं। हमारे भी यहाँ पर टाइम है तो पूछ पूछ कर ही जा रहे हैं। तो यहाँ से जाने का रास्ता है, मैं एक पुलिस वाले से पूछा तो चलिए आके दिखाते हैं अब। यहाँ पर देखिए बहुत सारे अपना फ्लाइट के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं ऊपर और बताते हैं। फिलहाल आ चुके हम ऊपर और देखिए ये है ऊपर का नज़ारा और ये है हमारा बोर्डिंग पास जो कि ले लिया हूँ। और यहाँ पर लाउंज का सुविधा है तो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं अगर खाना खाकर नहीं आए हैं तो। ये है जेस्ट लाउंज और मैं तो खाना खाकर आ चुका हूँ, वहाँ पर नाश्ता किया था। और देखिए क्या क्या दे रहा है यार यहाँ पर, लेकिन बहुत सबसे महंगा है हर चीज़। और फिलहाल मैं आ चुका हूँ नीचे और देखिए इधर बहुत सारा चीज़ मिल रहा है। अगर शूज लेना चाहते हो शूज ले सकते हो और कपड़ा भी मिल रहा है। तो यहाँ यार अंदर में मार्केट जैसा लग रहा है। और तो चलिए थोड़ी देर में हमारे भी फ्लाइट का अलाउंस होने वाला है तो हम भी चलेंगे। देखिए लोग जा रहे हैं दोस्तों, इंतजार की घड़ी होती है समाप्त और हम लोग का देखिए गेट नंबर 6 से एंट्री लिया जा रहा है देवघर जाने के लिए। हम भी लग चुके हैं लाइन में और यहाँ पर टिकट चेक किया जा रहा है एयर बोर्डिंग पास। तो ये रही भाई हमारी बस और इसी बस में हम लोग चलेंगे, लेकिन हम लोग 10 कदम की दूरी पर जाने वाला है। फिर भी हम लोग को बस लेकर जाया जा रहा है। देखिए ये है बस हमारी जो कि इसी बस में हम लोग चलेंगे। पढ़ चुके हैं हम अपने बस में और सामने देखिए ये है हमारी फ्लाइट, तो इसी में हम लोग चलेंगे। तो सामने फ्लाइट दिख रही है इंडिगो का, तो ये दिल्ली जा रही है जो कि दिल्ली का यात्री बोर्डिंग कर रहे हैं बहुत सारा और हम लोग का बगल में लगी है। तो इस समय 12:11 हो चुका है और देखिए बहुत सारे लोग भर चुके हैं और हमारा देखिए 19 कर दिया गया है क्योंकि विंडो सीट लिए हैं। और ये बोर्डिंग पास होता है कार्ड और सामने हमारी एरिया फ्लाइट है।
लिए आ चुके हैं। रही भाई फ्लाइट हमार बिजनेस से है और इसी में हम लोग चलेंगे, तो चलिए चलते हैं अंदर। हम लोग जा रहे हैं पीछे साइड से गेट से और बहुत भाई छोटा फ्लाइट लग रही है देखने से, तो ऐसे चलिए चलते हैं अंदर में बैठते हैं। अब फिलहाल आ चुके हैं हम अंदर और ये बहुत सीट खाली है यार, और 2x2 का सीट है, तो चलिए हम भी अपनी जगह बैठते हैं अब। तो फाइनली हम फ्लाइट में आकर बैठ चुके हैं और देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है इस फ्लाइट के बारे में और क्या कैसे करना है, यही सब जानकारी दिया है इसी में। और विंडो शेड्स खुले रखें। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैबिन की बत्तियाँ धीमी की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग करें। धन्यवाद। रिक्वेस्ट योर अटेंशन। यहाँ से विंडो जी ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बैठ चुके हैं हम लोग और अभी थोड़ी देर में फ्लाइट हमारी उड़ान भरने वाली है, तो भाई फर्स्ट टाइम है और बताएंगे आप लोग का एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग लाइट दिया गया है और एसी ज़्यादा और कम करने के लिए भी दिया गया है। डेढ़ घंटे की दूरी 30 मिनटों में पूरी की जाएगी। इस उड़ान के मुख्य वैमानिक कप्तान शिवाशीष है, सह कप्तान दीपक, आज के विमान कर्मी दल रेचल है और मैं शुभ्रा आपके मुख्य। आसमान की ऊंचाई में उड़ रहे हैं और ये देखिए ऊपर से पटना का नज़ारा कैसा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये गंगा जी है और ये फ्लाइट बहुत कम दूरी की है इसलिए छोटी है और बादल के ऊपर नहीं जा सकती है। देखिए बादल के बराबर ही रह सकती है, बादल के ऊपर नहीं जा सकती। तो फाइनली आ चुके हैं भाई देवगढ़, वेलकम टू
देवघर बाबा नगरी में आपका स्वागत है। और चलिए अब बाहर निकलते हैं हम लोग। यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। तो आ चुके हम देवघर एयरपोर्ट। चलिए थोड़ा सा बाहर निकल। और ये रहा देवघर एयरपोर्ट, देखिए। तो फाइनली आ चुके हैं भाई देवघर। और इधर बहुत सारी गाड़ी मिल जाएगी, कहीं पर इधर से जा सकते हो। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया।